गंज फेस शो बेस्ड ऑन द हिंदू आप सबका दोस्तों तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के सेशन में। अ वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, आप सबका अगेन अगेन स्वागत है हमारे आज के सेशन में। गाइस एक बार जरा कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, ताकि मैं समझ पाऊँ आप लोग रेडी हैं और आप लोग तैयार हैं, ताकि आज के डिस्कशन को हम आपके साथ दोस्तों जो हैं वो स्टार्ट कर सकें। फटाफट एवरीवन गिव मी अ बिग बिग थम्स अप, ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँचा सकें। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरी वन गाइज इन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव टू ड्रीम बिफोर यू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। आपको सपने देखने पड़ेंगे तभी तो सपना पूरा कर पाओगे। अगर आप सपना ही नहीं देखोगे तो सपने पूरा करने के पीछे वजह क्या होगी, और सपना होगा नहीं तो लाइफ में आप कर क्या रहे हो। वाइसर वर्ड्स हैव नेवर बीन स्पोकन like this and great and we were blessed to have the president himself, the people's president himself as our president Mr. APJ Abdul Kalam। चलिए दोस्तों आप सबका स्वागत करते हैं आज के सेशन में, एंड ले चलते हैं आपको हमारे आज के न्यू एंड एडवांस करंट अफेयर्स के अंदर। टुडे गाइज वी डिस्कसिंग द फर्स्ट अक्टूबर करंट अफेयर्स। प्लीज़ अंडरस्टैंड गाइज वी आर फोकसिंग ऑन द फर्स्ट अक्टूबर द हिंदू एनालिसिस, इस पर हम आज आपके साथ फोकस करेंगे। एंड फिर वी विल डिस्कसिंग उससे पहले 15 MCQs। न्यू सेक्शन हमने ऐड किया है कल से, दैट इज़ न्यूज़ आउटसाइड द हिंदू, और इसको करने के बाद हम आपको होमवर्क जो हम आपको देते हैं दैट वी विल ऑल्सो प्रोवाइड। सो अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन टू दिस एनालिसिस। एंड चलिए शुरू कर लेते हैं डिस्कशन को, एक सेकेंड जरा रुकिएगा। ऑलराइट, एंड अगर अभी तक आप मेंबर नहीं बने हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के, प्लीज़ बी अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप so that everyone can basically be participate in this particular discussion। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज, एंड सबसे पहले आइए देखते हैं चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस कौन है। फिर से चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस हैं हमारे दीप गोयल, और लगातार दूसरे दिन भी जो हमारे टॉप फाइव विनर्स हैं वो हैं मिली, पीयूष, शैलेश, दीक्षा एंड फैज़। तो मेरा इंटरेस्टिंग जानना ये होगा कि आप में से कितने लोग जो हैं वो इसको इस चीज़ को हटा पाते हैं, आप में से कितने लोग जो हैं वो इनको दे कैन रिप्लेस, बट दीज आर द फाइव चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। कंग्रेचुलेशन अगैन टू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स हैव द रिविजन टाइम। आई एम प्रिटी सर्टन आज ऐसे मुझे कई लोग मिलेंगे जो 15 में से 15 स्कोर करेंगे। आई विल हैव सर्टन पीपल जो जिनका स्कोर 15 से 15 होगा और वो चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस बन के तैयार होंगे। तो एक बार ज़रा सब लोग कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। शुरू करें दोस्तों, शुरू करें। ओके, लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अमेंडेड इट्स फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। निम्न में से किस राज्य ने अपने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का संशोधन किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ई, दैट इज़ आपका नन ऑफ दीज। यहाँ जो आंसर है दैट इज़ आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अमेंड किया है अपने पर्टिकुलर एक्ट को, दैट इज़ एब्सोल्युटली गाइज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर टू गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, रूरल टूरिज्म पॉलिसी को किसने अनवेल किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द रूरल टूरिज्म पॉलिसी। आंसर है आपका राजस्थान। क्वेश्चन नंबर टू गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये योजना किस पर्टिकुलर स्टेट की है? उसका आंसर है आपका गुजरात। क्वेश्चन नंबर थ्री गाइज, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, कौन से स्टेट ने पी एम स्वनिधि में टॉप किया है? दी आंसर इज, इट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। Which of the following city shall get its own biodiversity map? इनमें से वो कौन सा शहर है जिसका खुद का एक biodiversity map आपका बना है? New Delhi, Bengaluru, Hyderabad, Pune या फिर आपका Mumbai? And the answer is, it's option E, that is आपका Mumbai। Mumbai का खुद का एक उनका biodiversity map बना है। Question number one guys, out of the following, काला घोड़ा festival इनमें से कहाँ पर हुआ? In February। ये festival आपका हुआ इन मुंबई। क्वेश्चन नंबर टू, द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस इज शेड्यूल टू टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो 108th इंडियन साइंस कांग्रेस है वो आपका पुणे में होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, आउट ऑफ द फॉलोइंग सिटीज गाइस, बायो एशिया समिट इनमें से कहां पर हुआ? द आंसर इज, इट इज हैदराबाद। यहां पर आपका बायो एशिया समिट हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया, दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
Which of the following has rolled out its 300th ध्रुव हेलीकॉप्टर? इनमें से किसने रोल आउट किया है आपका अपना 300वां ध्रुव हेलीकॉप्टर? DIAT पुणे, DRDO, HAL, BEL या फिर आपका BML? इनमें से आंसर क्या होगा? एंड द आंसर इज इट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. इन्होंने अपना 300वां जो आपका ध्रुव हेलीकॉप्टर है उसको यहाँ पर सेटअप किया है. क्वेश्चन नंबर वन गाइस, जी सतीश रेड्डी इज द चेयरपर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किसके चेयरपर्सन हैं आपके जी सतीश रेड्डी? आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज DRDO. क्वेश्चन नंबर टू गाइस, मिस्टर आर माधवन इज द MD CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से किसके MD CEO हैं या किसके आपके हेड हैं मिस्टर आर माधवन? द आंसर इज आपका HAL. क्वेश्चन नंबर थ्री, out of the following option the government is thinking to divest stake up to 15-20% in which company? सरकार इनमें से किस कंपनी में अपने अधिकार का 15-20% का शेयर बेचने की मंशा जताई है? आपके सामने पांच ऑप्शन है. इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. इसका आंसर भी आपका HAL होगा. गाइस मुझे बोलना ना पड़े बार बार, हमारा मिशन है 1000 लाइव व्यूअर्स पहुंचने का. फटाफट वीडियो को शेयर करो ताकि 1000 लाइव व्यूअर्स तक हम पहुंच सकें. आगे बढ़ते हैं. वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द FTII? फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर्स दोस्तों कहाँ पर हैं? न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या फिर आपका मुंबई? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज ऑप्शन डी, दैट इज आपका पुणे. पुणे में हेडक्वार्टर्स हैं आपका FTII का. मेरा यहाँ पर सवाल पहला बनेगा, हु इज द हेड ऑफ द FTII सोसाइटी? ये कल ही बने हैं आपके, परसों बने हैं आपके, एंड आई एम प्रिटी सर्टन आपको आंसर आता होगा, शेखर कपूर. क्वेश्चन नंबर टू गाइस, हु हैज़ बीन मेड द हेड ऑफ द NSD? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हेड कौन है? आंसर है श्री परेश रावल जी. क्वेश्चन नंबर थ्री गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइस, मेघा संदेशा ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? इनमें से किस शहर में आपका मेघा संदेशा ऐप को लॉन्च किया गया है? आंसर है आपका बेंगलुरु. क्वेश्चन नंबर फोर गाइस, प्राणवायु प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? इसका भी आंसर आपका जो है दैट इज आपका बेंगलुरु. जो लोग पहली बार आए हैं सेशन में आपका स्वागत है. तो एक बार जरा जो लोग पहली बार आए हैं गिव मी अ थम्स अप और गिव मी अ यस सर. एंड जो लोग रेगुलर हैं आपको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच फॉर बीइंग रेगुलर. चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. इंडिया एंड विच अदर कंट्री हैव साइंड अ स्ट्रेटेजिक ग्रीन पार्टनरशिप? भारत और निम्न में से किस देश ने एक स्ट्रेटेजिक एक रणनीतिक ग्रीन सहभागिता पे हस्ताक्षर किए हैं? स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, रशिया या फिर आपका नेदरलैंड्स? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज आपका डेनमार्क. डेनमार्क इसका बिल्कुल सही जवाब है. यहाँ पर मेरा पहला सवाल आपसे बनेगा गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच कंट्री वॉज द को होस्ट ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? ये सवाल मैं 3-4 बार पूछ चुका हूँ और मुझे पता है जो रेगुलर है उसको इसका आंसर आता होगा. इसका आंसर है दोस्तों बिल्कुल सही, दैट इज आपका जर्मनी. क्वेश्चन नंबर टू, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, किस कंट्री का आपका जो करेंसी आपका जो कैपिटल है दैट इज कोपेनहेगन? इनमें से किस कंट्री का कैपिटल जो है दैट इज आपका कोपेनहेगन? आंसर है आपका दोस्तों डेनमार्क. क्वेश्चन नंबर थ्री गाइस, out of the following options guys which country hosted the Kavkaz 2020? इनमें से किस देश में आपका Kavkaz 2020 डिफेंस एक्सरसाइज आपका हुआ? उसका आंसर है आपका दोस्तों दैट इज रशिया. रशिया उसका बिल्कुल सही जवाब है. आगे बढ़ते हैं. Which of the following has launched a vaccine portal with details on trial? इनमें से वो कौन सा संगठन है जिसने एक वैक्सीन पोर्टल जारी किया था जिसपे ट्रायल्स चाहे वो इंडिया की तीनों वैक्सीन हो उनका डिटेल था? NIV, ICMR, DCGI, SII या फिर आपका डॉक्टर रेड्डीज? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज आपका ICMR. यहाँ पर मेरा पहला सवाल बनेगा, विच ऑफ द फॉलो इंस्टीट्यूट विल ओपन इट्स न्यू इंस्टीट्यूट इन पंजाब? पंजाब में इनमें से कौन अपना एक नया सेंटर खोलने वाला है? इसका हेड है आपका ऑप्शन ए, दैट इज आपका NIV. बिल्कुल सही. क्वेश्चन नंबर टू, श्रीमान श्री श्री 1008 मेरी तरह VG सोमुनी साहब इज द हेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज? इनमें से किस संगठन के आपके अध्यक्ष हैं VG सोमुनी साहब? उसका आंसर है आपका DCGI. क्वेश्चन नंबर थ्री गाइज, एस्ट्राटेक वैक्सीन को इनमें से इंडिया में कौन डेवलप कर रहा है? एस्ट्राटेक वैक्सीन बाय ऑक्सफर्ड? द आंसर इज, कोई बताएगा मेरे को एस्ट्राटेक वैक्सीन? बिल्कुल इसका आंसर जो है
दैट इज आपका ऑप्शन डी, दैट इज आपका SII, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, वो इसको डेवलप कर रहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 गाइस, स्पुटनिक 5 को इंडिया में सप्लाई कौन करेगा? इनमें से कौन है जो इंडिया में स्पुटनिक 5 जो कि रशियन वैक्सीन है कोरोना वायरस की, उसको इंडिया में सप्लाई करेगा? तो उस प्रश्न का उत्तर है, द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज, इट इज ऑप्शन ई, दैट इज डॉक्टर रेड्डीज। मैं आगे बढ़ने से पहले दो बातें करना चाहूंगा। सबसे पहले, ये शो आपका पैन इंडिया का शो है, इसमें इंग्लिश भी होगा, इसमें हिंदी भी होगा, इट विल हैव इंग्लिश, विल हैव हिंदी। प्लीज़ आप लोग आपस झगड़ा मत करो, ये आप सबके लिए, नंबर वन। एंड नंबर टू गाइस, मैं बहुत प्यार से मेहनत से बनाता हूँ कंटेंट, और चिल्लाता नहीं हूँ मैं। चिल्लाना मेरा ना मकसद है और ना आपका होना चाहिए। अगर कोई आपको चिल्ला के न्यूज़ पढ़ा रहा है या चिल्ला के आपको कोई करंट अफेयर्स पढ़ा रहा है, मत पढ़ें, आराम से पेशेंटली पढ़ें, मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा आपको सेशन के अंदर। अगर आपको ये अच्छा लगता है, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप फटाफट, ताकि मैं समझ पाऊँ आप लोग रेगुलर हो और मेरे साथ लंबे समय तक चलने वाले हो। लेट्स प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये रहा आपके सामने। सैयद अनवरा तैमूर वॉज द ओनली CM और वॉज द ओनली वुमन CM ऑफ विच कंट्री? सैयदा अनवरा तैमूर इनमें से किस देश की एकमात्र महिला CM आपकी थी? कर्नाटका, केरला, असम, तमिलनाडु या फिर आपका तेलंगाना? कहाँ की एकमात्र महिला CM आपकी थी? इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज आपका दोस्तों असम। अरे भाई, मैंने बोल तो दिया, मेरे शब्दों को तो सुने, शब्दों पे जाएं, शब्द मेरे हैं, बोल भी मेरे हैं। आंसर है आपका असम, ये ओनली वुमन CM थी आपकी इस पर्टिकुलर स्टेट की, माफ करिएगा कंट्री आ गया, गड़बड़ हो गया, स्टेट की, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, कौन सा स्टेट है जिसने इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में मैक्सिमम बोरोइंग्स ली हैं? इनमें से वो कौन सा आपका स्टेट है? तो उसका आंसर जो है, दैट इज आपका तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से वो कौन सा स्टेट है जिसने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है फॉर स्टेट लैंड रिकॉर्ड्स? तो उसका आंसर दोस्तों जो है, दैट इज आपका तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस गाइस, इंडिया का इनमें से वो कौन सा स्टेट है जहां पर लिटरेसी इंडिया में 96.2% है, मतलब वहां पर जो लिटरेसी है वो 96.2% है? आंसर है आपका दोस्तों केरला। क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, रोरो ट्रेन सर्विस आपकी किसने स्टार्ट की है? तो उसका आंसर है आपका कर्नाटका, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the maximum range of incentive under the production linked incentive plan? अभी हाल ही में Apple के जो 3 contractors हैं, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था, उन्होंने दोस्तों यहाँ पर अग्रीमेंट किया है और वो दोस्तों इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे करीब $900 million एंड दे विल इन्वेस्टेड वाया द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान। द क्वेश्चन इज मैक्सिमम कितना है? देखो कई लोग तुक्का मार रहे हैं, मैं रिपीट फिर से कर दूंगा गाइस, आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा। ओके, एक यहाँ पर रिक्वेस्ट आ रही है, सर प्लीज़ पॉलिटिकल करंट अफेयर्स को ऐड करें। मैं नहीं ऐड करूँगा, हाँ अगर उस पॉलिटिकल करंट अफेयर्स में कुछ एग्ज़ाम का मेरिट होगा तो ही मैं ऐड करूँगा। ये सेशन आज सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए है, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए है। द रीज़न इज़ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू ओनली अंडरस्टैंड एंड ओनली डिस्कस दोज करंट अफेयर्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड फॉर एग्जामिनेशन। ऐसी खबरें जो रेलिवेंट नहीं है आपके लिए, उनको डिस्कस मैं नहीं करूंगा, प्लीज़ इस बात को आप समझिएगा, ठीक है? हाँ, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ आपका 6%। मेरा पहला सवाल बनेगा आपसे, कौन सी मिनिस्ट्री से इस स्कीम का संबंध है? विथ विच मिनिस्ट्री इज दिस पर्टिकुलर स्कीम एसोसिएटेड? उसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, उससे संबंध है आपका इस पर्टिकुलर प्लान का। ओके, अप टिल हाउ मेनी मंथ्स From its initiation, is this scheme active? कितने महीनों तक आपका यह स्कीम एक्टिव है, फटाफट बताइएगा। आंसर है 4 महीनों तक, अभी इसको 1 महीना हो चुका है, 3 महीने और बचे हैं, 4 मंथ्स तक आपका ये दोस्तों एक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, एनी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर मेकिंग अ मोबाइल फोन अबव वॉट अमाउंट इज एलिजिबल फॉर दिस स्कीम? ऐसा कोई भी मोबाइल निर्माता, चाहे निर्माता हो या फैक्ट्री का ओनर हो, जिसका मोबाइल फ़ोन की कीमत कितने रुपए से ज़्यादा होगी तो इसे हम इसका हिस्सा मानेंगे या इसमें एलिजिबल मानेंगे? आंसर है 15,000 रुपये। इसको नोट कर लीजिए कहीं पर, जो लोग कल नहीं आए थे नोट कर लो, UPSC में आएगा, और सही बात है, ये UPSC में आएगा, समझ रहे हैं आप? हाँ, 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
Rupa Gurunath was re-elected as a whole-time director of which company? इनमें से किस कंपनी की whole-time director बनी है फिर से पुनः आपकी रूपा गोपीनाथ. आपके सामने ऑप्शंस हैं. इसका आंसर जो है आपके सामने दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया सीमेंट्स. ओके, यहाँ पर मेरा पहला सवाल आपसे है, इंडिया सीमेंट्स इज द ओनर ऑफ विच इंडियन प्रीमियर लीग टीम. भारतीय इंडियन प्रीमियर लीग की कौन सी टीम के ओनर है इंडिया सीमेंट्स. आंसर है आपका चेन्नई सुपर किंग्स. क्वेश्चन नंबर टू, द लखनऊ एयरपोर्ट विल बी हैज़ बीन गिवन एज अ लीज टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज. इनमें से किस कंपनी को लखनऊ का एयरपोर्ट एज अ लीज दिया गया है. आंसर है आपका अडानी ग्रुप. क्वेश्चन नंबर थ्री, द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन दिल्ली इज मैनेज्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से कौन सा संगठन है जो IGI एयरपोर्ट को मैनेज करता है या फिर हैदराबाद एयरपोर्ट को मैनेज करता है, दैट इज द राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. आंसर है आपका GMR. क्वेश्चन नंबर थ्री गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हु हैज़ इन्वेस्टेड इन रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड RRVL में इनमें से किसने अभी हाल ही में निवेश किया है. उसका आंसर है आपका दोस्तों सिल्वर लेक. क्या आंसर होगा उसका, उसका आंसर होगा आपका सिल्वर लेक. समझ में आ गया सबको, क्या बात है. आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ ₹200 करोड़ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू. इनमें से वो कौन सी कंपनी है जिसने एक NCD इशू दोस्तों आपका जो है वो जारी किया है. इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज मुथूट फाइनेंस. उसने इसको दोस्तों जो है वो आपका जारी किया है. आगे बढ़ते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड द सेल ऑफ लूज सिगरेट्स एंड बीडीज. इनमें से वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने लूज या खुटकर में सिगरेट और बीडीज का जो एक सेल है उसे बैन किया है. इसका आंसर है आपका फिर से ऑप्शन ई, दैट इज महाराष्ट्र. क्वेश्चन नंबर वन गाइस, इनमें से वो कौन सा स्टेट है जिसने किचन गार्डन स्कीम को लॉन्च किया है. फटाफट बताइएगा, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द किचन गार्डन स्कीम. ये नया सवाल निकाला है मैंने अपने पिटारे से. सो विच स्टेट हैज़ लॉन्च किचन गार्डन. उसका आंसर है आपका दोस्तों इट इज़ असम. असम में आपका दोस्तों लॉन्च हुआ है. क्वेश्चन नंबर टू गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गाइज, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एंटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट. स्टेट ने कहा है कि हर एक जिले में एक एंटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन होगा. उसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दैट इज UP. क्वेश्चन नंबर थ्री, इनमें से कौन सा राज्य है जिसने रोको टोको कैंपेन आपका लॉन्च किया है. रोको टोको कैंपेन, एंड द आंसर इज इट इज मध्य प्रदेश. एंड लास्ट क्वेश्चन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन टू फाइट अगेंस्ट COVID-19. COVID-19 से लड़ने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी का कैंपेन इनिशिएटिव इनमें से किसने लॉन्च किया है. उसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज आपका महाराष्ट्र. आगे बढ़ते हैं, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड 6 मेगा प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट. इनमें से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने 6 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत. झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरला या फिर आपका हिमाचल. इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, उत्तराखंड में उन्होंने इन प्रोजेक्ट्स को दोस्तों आपका लॉन्च किया है. सवाल मेरा पहला बनेगा आपसे, इनमें से वो कौन सा स्टेट है जहां पर फूल देई फेस्टिवल को मनाया जाता है. फूल देई फेस्टिवल, उसका आंसर है आपका उत्तराखंड. इनमें से वो कौन सा स्टेट है जहां पर फगली FAGLI फगली महोत्सव को मनाया जाता है. उसका आंसर दोस्तों जो है दैट इज हिमाचल प्रदेश. क्वेश्चन नंबर थ्री, इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पर तेंदुआ लीफ कलेक्टर्स के लिए एक नई स्कीम आई है. विच इज द स्टेट वेयर वी हैव अ न्यू स्कीम फॉर द तेंदुआ लीफ कलेक्टर्स. उनके लिए इनमें से कहां पर एक स्कीम आई है. उसका आंसर है आपका छत्तीसगढ़. बिल्कुल सही. एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइज, सोहराई पेंटिंग हैज बीन गिवन अ GI टैग फॉर विच स्टेट. सोहराई पेंटिंग को इनमें से किसके लिए एक भौगोलिक संकेतक दिया गया है. इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दैट इज झारखंड. स्पेशली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं रेलवेज के SSC के, क्या आपको हिंदी समझ में आ रही है, समझ में आ रहा सवाल मेरा. एंड स्पेशली माई फ्रेंड्स फ्रॉम सदर्न इंडिया फ्रॉम माई बैंकिंग एस्पायरेंट्स, इज माई इंग्लिश एलिजिबल एवरी वन, इज माई इंग्लिश कॉम्प्रीहेंसिबल एवरी वन.
प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, फटाफट गिव मी अ थम्स अप गाइज, बिकॉज गाइज जो लोग SSC की ऐप पे देख रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा प्लीज़, आपसे मेरा सविनय निवेदन है, प्लीज़ रेटिंग को 5 स्टार से कम मत दीजिएगा। कई लोग जानबूझ कर रेटिंग ख़राब करते हैं, तो प्लीज़ 5 स्टार से रेटिंग कम मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कालीबंगन साइट इज फाउंड इन विच स्टेट, निम्न में से कौन सा राज्य है जहाँ पर कालीबंगन साइट जो है वो पाई जाती है? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, बिहार या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर आपकी पाई जाती है कालीबंगन साइट? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान, बिहार, नन ऑफ दीज में। इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी, दैट इज आपका राजस्थान। क्वेश्चन 2 बनेगा मेरा आपसे गाइज, इनमें से कहाँ पर, किस कंट्री में आप पाते हो मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो जो है वो इनमें से किस पर्टिकुलर कंट्री में आता है या किस स्टेट के कंट्री में आता है? उसका आंसर है आपका पंजाब, पाकिस्तान में आपका जो तो है दैट इज आता है नंबर 2। नंबर 3 गाइस, लोथल या लोथाल इज़ अ आर्कियोलॉजिकल साइट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कहाँ पर आपकी लोथाल एक साइट है? उसका आंसर दोस्तों जो है वो आपका है गुजरात। गुजरात में लोथाल आपका एक साइट पाया जाता है। बिल्कुल सही प्रश्न का जवाब है, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन इज ऑब्जर्व ऑन, इनमें से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस फूड लॉस और फूड के वेस्ट को कम करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, उसके खिलाफ उसके उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द 29th of September। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द टोल फ्री काउंसलिंग सर्विस नंबर लॉन्च्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इनमें से उस टोल फ्री काउंसलिंग सर्विस का नंबर क्या है जिसे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने लॉन्च किया है? इसका आंसर है, इस प्रश्न का जवाब है आपका ऑप्शन डी, दैट इज संवेदना। क्वेश्चन नंबर 1, मेंटल हेल्थ गाइडलाइन के लिए इनमें से किस हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया है आपके सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने? तो उसका आंसर है आपका किरण, किरण को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन रेलवेज ने इनमें से किसको लॉन्च किया है, इनमें से विच इंडियन रेलवे विच इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज? द आंसर इज यूजर डिपो मॉड्यूल। ये ऑनलाइन मॉड्यूल है जो कि डिले में और एक शेड्यूल बनाने में हेल्प करेगा इंडियन रेलवेज को। एंड धरनी पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड फॉर लैंड रिकॉर्ड्स बाय विच और विच स्टेट, किस स्टेट ने धरनी पोर्टल को लैंड रिकॉर्ड्स के लॉन्च किया है? उसका उत्तर है आपका तेलंगाना, उसका उत्तर है तेलंगाना, तेलंगाना इसका बिल्कुल सही जवाब है। सो गाइस, अगर आपने 15 में से 15 स्कोर किए हैं तो आप हो चैंपियन ऑफ चैंपियन। अगर आपका स्कोर गाइस 14 या फिर 13 है तो आप हो सुपर बाबा, सुपर बाबा। अगर आपका स्कोर गाइस 8 से 12 के बीच है तो अभी आप शिष्य हो, यू आर स्टिल अ स्टूडेंट। और अगर आपका स्कोर गाइस 8 से कम है तो गाइस आप एक बिगड़ैल बच्चे हो, है ना। आपको बिगड़ैल बच्चा नहीं बनना, यू आर अ स्पॉइल्ड ब्रैट। आपको क्या बनना है, आपको दोस्तों इसके आगे बढ़ना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज गाइज मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहता हूँ, रेगुलर हो जाओ बच्चा, मज़ा आएगा। ऑलराइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं गाइज हमारे आज के एनालिसिस पे। अगर आपको कल पसंद, अच्छा कितने लोगों ने कल देखा था मेरा एनालिसिस, कल 30th September का, गिव मी अ थम्स अप फटाफट। बिकॉज गाइज अगर कल आपको अच्छा लगा होगा तो उसी पैटर्न को अब हम फॉलो करेंगे, बिकॉज ये मेरे लिए भी आसान है, बिकॉज आई एम ऑल्सो एबल टू टेल यू ओनली दो स्टफ दैट इज रेलिवेंट। मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो रेलिवेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है, ठीक है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, और आपको बढ़िया लगा यार, अगर एक आदमी बताएगा 3 को, 3 बताएंगे 6 को, 6 बताएंगे 9 को, 9 बताएंगे 18 को, 18 बताएंगे 36 को, ऐसे करते करते कारवा बढ़ता जाएगा और हमारा सेशन नंबर 1 होता जाएगा। सो प्लीज़ वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करिए एंड मेक इट अ नेशनल ट्रेंडिंग सेशन। ओके चलिए तो आते हैं गाइज हमारे आज के पहले हेडलाइन पर। अगर आपका वेट 65 से कम है तो जो एक एवरेज वेट है इंडिया का, एक आइडियल वेट है इंडियन मैन का, उसमें आप पीछे हैं। अगर आप महिला हैं, अगर आप लड़की हैं और आपका वेट 55 केजी से कम है आइडियली, तो आप जो आइडियल वेट है उससे कम है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहा है दी ऑनरेबल ICMR। ICMR हैज पब्लिश्ड अ रिपोर्ट, द नेम ऑफ द रिपोर्ट गाइस इज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। According to this report presented by the ICMR National Institute of Nutrition (NIN), उनके हिसाब से for the age group between 19 to 39,
The ideal weight for men is 65 kg. Mera hai 71. And the ideal weight for women is 55 kg. Bahut badhiya. For women. Alright. And his report ko publish kiya hai by the ICMR, National Institute of Nutrition. ICMR ka full form hai Indian Council of Medical Research. Usne hi is report ko, doston, aapka publish kiya hai. Sabko samajh mein aa gaya. Sawal yahan par banega. What is the ideal weight for men, ideal weight for women, number one. Number two, kisne publish kiya hai aur report ka naam kya hai. Sab kuch kapko samajh mein aa gaya, katra katra clear ho gaya. Chaliye, aage badhte hain agle headline par. Achha, ek cheez update, mera jo trainer hai mujhse kehta hai, agar aap apne body weight ka weight utha nahi sakte ho, to aap unfit ho, theek hai? तो ये बात याद रखना, ये गोल्डन रूल है आपका फिटनेस का. इफ़ यू आर अनेबल टू लिफ्ट द वेट एज पर योर बॉडी वेट, अगर 50 केजी का सामान आप उठा नहीं सकते हो, अगर आपका वेट 50 केजी है, तो आप अनफिट हो, ऐसा कहते हैं मेरे ट्रेनर. ऑलराइट, यस, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस. बेल्जियम हैज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर गाइस. उनका नाम है अलेक्जेंडर डी क्रू. And after 16 to 14 months of wait, करीब 14-16 महीने के wait के बाद Belgium को उसका नया Prime Minister मिला है. He will lead a 7-party coalition government. और Brussels और Belgium जो है, it's a country in Europe and इसका capital आपका Brussels है और currency यहाँ की जो है वो आपकी दोस्तों यहाँ पर Euro बताई गई है. आइए ज़रा इसका map study कर लेते हैं. इसके एक side आपका दोस्तों Holland है, एक साइड आपका फ्रांस है और एक साइड आपका दोस्तों लग्जमबर्ग है. लग्जमबर्ग की बात करें तो लग्जमबर्ग का कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी, लग्जमबर्ग का, और करेंसी लग्जमबर्ग की आपकी है दोस्तों यूरो. लग्जमबर्ग आपका दोस्तों न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज लग्जमबर्ग इज़ द फर्स्ट कंट्री टू ऑफर फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू द वर्ल्ड. ये पहली कंट्री है जहाँ पर फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपका हुआ था. आपने सुना होगा दिल्ली में कि महिलाओं के लिए बस ट्रैवल या मेट्रो ट्रैवल में फ्री है, वैसे ही जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है फॉर एवरीवन इन लग्जमबर्ग गाइस इज़ फ्री. अब जब पैसा आता है ना तो ऐसा ही लगता है सब कुछ फ्री कर दो, है ना, पर ये लग्जमबर्ग में हुआ है. देन गाइस फ्रांस स्क्रीन पे देख सकते हैं, फ्रांस का कैपिटल है आपका पता होना चाहिए पेरिस, एंड करेंसी क्या है ये भी बताना चाहिए आपकी यूरो. अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस इंडिया को क्या दिया है, इंडिया दिया है आपका रफाल. जब भी मुझे रफाल इंडिया आता है ना तो मुझे गाना याद आता है तोहफा 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 लाया लाया लाया, है ना, जितेंद्र जी का गाना है, जीतू जी का. सो रफाल वॉज गिवन टू इंडिया बाय फ्रांस एंड अभी 5 आए हैं, 36 आने बाकी हैं और ये अंबाला में आपका बेस होगा. यहाँ पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमन पायलट हु विल फ्लाई रफाल. उन महिला पायलट का नाम क्या है, तो उनका नाम दोस्तों जो है दैट इज शिवांगी सिंह, वो इनका दोस्तों आपका नाम है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर. जब भी भगवान देता है तो आम आदमियों को छप्पड़ फाड़ के देता है. दे द गॉड गिव्स अस, व्हेनेवर ही गिव्स अस द मनी इन बल्क, बट व्हेन ही गिव्स मनी टू मिस्टर मोटा भाई, देन वो छप्पड़ फाड़ के नहीं, धरती चीर के, आसमान फाड़ के, नदियां उड़ा के सब कुछ देता है. यस, Reliance Retail will now has been now given a fresh investment of 5,550 crores. Reliance Retail को जिसका full form है, जिसका short form है RRVL, Reliance Retail Ventures Limited, इसको नया funding मिला है आपका 5,550 करोड़ का. इनमें से 1,875 करोड़ has been given by Silver Lake और General Atlantic ने इनको दिए हैं 3,675 करोड़. ओवरऑल सिल्वर लेक की बात करें तो इसका इन्वेस्टमेंट हो गया है इन रिलायंस रिटेल एट 9,375 करोड़, विच इज़ एट 2.13%. और GA जनरल अटलांटिक जो कि अगेन US कंपनी है, इसका इन्वेस्टमेंट है आपका 0.84% इक्विटी स्टेक. जो कंपनी जिसमें इन्होंने निवेश किया उस कंपनी का नाम है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड. याद रहेगा सबको, कतरा कतरा क्लियर हो गया. संजीव जी, बहुत जल्दी हम टोर्नाडो सेशंस और RRB PO मेंस सेशन लेके आ रहे हैं, आप परेशान ना हो, हम सेशन उसको लेके आएंगे, डू नॉट गेट वरीड. ऑलराइट, समझ में आ गया सबको. सो रिलायंस के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट नया आपका आया है. ओवरऑल जो आपका इन्वेस्टमेंट है इन रिलायंस रिटेल गाइस, और प्लीज़
आपने अपनी धड़कन को रोकिएगा, रोकिएगा नहीं, बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज एट 4.2 लाख करोड़। इतना पैसा ऑलरेडी इनके पास आ चुका है और अभी और आना आपका बाकी है, ठीक है? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, धनलक्ष्मी बैंक के जो एमडी सीईओ हैं उन्हें निकाला गया है। ही हैज बीन मेड टू रिजाइन एज द एमडी सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। और उसका रीजन था बिकॉज शेयर होल्डर्स वोटिंग के बाद ही डिसाइड किया गया कि ही विल नो लॉन्गर बी द एमडी सीईओ ऑफ धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक आपका जो उसके एमडी सीईओ थे उनका नाम है सुनील गुरबाक्सिनी। इसके हेडक्वार्टर्स आपके थ्रिसूर केरला में है एंड इसका जो टैगलाइन है दैट इज तन मन धन। क्या बात है, तन मन धन, दैट इज द टैगलाइन ऑफ द धनलक्ष्मी बैंक। तो दोस्तों गाइज, मिस्टर सुनील गुरबाक्सिनी जो हैं इनको हटाया गया है एज द एमडी सीईओ ऑफ धन लक्ष्मी बैंक। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसका नया लोगो आपका लॉन्च हुआ है, ठीक है? ये लोगो को लॉन्च किया है यूनियन स्पोर्ट्स अफेयर्स मिनिस्टर, यूनियन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब ने। किरण साहब जो हैं ही इज अ लोकसभा सांसद फ्रॉम वेस्ट अरुणाचल। साई की बात करें तो हम साई बाबा की बात नहीं करें, हम साई अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। इट इज़ द अथॉरिटी ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स इन इंडिया। साई वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1982। द करंट हेड ऑफ साई गाइस इज संदीप प्रधान। वर्तमान में जो उसके प्रमुख हैं उनका नाम है आपका संदीप प्रधान। बाकी ये फोटो है, ये आपका लोगो है जिसकी मैं बात कर रहा था। और इसको मतलब मेरे को लगते हैं एक बहुत ही सिंगर है, बहुत ही फेमस, नॉट फेमस है बट हाँ ठीक ठाक है, मयंक चैंग, सुना होगा आपने नाम। मुझे उनके ये बड़े भाई लगते हैं। सो बेसिकली द एल्डर मयंक चैंग गाइज हैज़ लॉन्च्ड साई, ऑलराइट, एंड साई न्यू लोगो। एंड साई आपकी नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी है इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन, ठीक है? यस, आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर। टोक्यो गेम्स हैज़ अ न्यू स्पोर्ट्स डायरेक्टर गाइस एंड इनका नाम है मिसेस मिकाको कोटानी। मिकाको कोटानी इज अ फॉर्मर 2-टाइम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन सिंक्रोनाइज स्विमिंग एट द 88 ओलंपिक्स एंड नाउ शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू स्पोर्ट्स डायरेक्टर फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स विच विल टेक प्लेस इन 2021 इन द मंथ ऑफ जुलाई। रिपीट फिर से कर दूंगा गाइस, 2021 टोक्यो ओलंपिक्स के जो नए स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है मिसेस मिकाको कोटानी। शी इज अ फॉर्मर स्पोर्ट्स पर्सन, अ फॉर्मर ओलंपिक मेडलिस्ट एंड ये बनी है 2021 ओलंपिक्स की आपकी स्पोर्ट्स की डायरेक्टर। इनका नाम है दोस्तों आपका मिकाको कोटानी, नाम याद रहेगा सबको, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग पूनम कुमारी जी, आप लेट आए हो। आप कितना लेट आए हो? आप करीब 35 मिनट्स लेट आए हो, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारी खबरें जो कि हिंदू से बाहर की हैं, द हिंदू से बाहर की हैं। ये रही पहली खबर। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इन द PMNCH अकाउंटेबिलिटी ब्रेकफास्ट। ओके, नाउ गाइस, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का मतलब ये है कि जो हमने कहा उसे अब करो, वट एवर हैज़ बीन डिसाइडेड प्लीज डू इट। दैट इज़ द मेन पर्पज ऑफ द PMNCH अकाउंटेबिलिटी ब्रेकफास्ट। सो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल PMNCH का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर मटर्नल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ, इसका फुल फॉर्म है। जिस मिनिस्ट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से, उस मिनिस्ट्री का नाम है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दिस ब्रेकफास्ट वॉज को होस्टेड बाय वाइट रिबन अलायंस, बाय एवरी वुमन एवरी चाइल्ड अलायंस, इन्होंने किया। और इसका थीम था आपका प्रोटेक्टिंग गेन्स इन रिप्रोडक्टिव मटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ फ्रॉम द कोविड पेंडेमिक। कैसे जो रिप्रोडक्टिव या मातृ या चाइल्ड हेल्थ के गेंस हैं, कैसे हम उसे बचाएं फ्रॉम कोविड पेंडेमिक, तो इस पे इंडिया ने आपका पार्टिसिपेट किया। इसका मेन कंसेप्ट ये था कि मटर्नल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ को लेकर जो हमारे गाइडलाइंस हैं उन्हें अब इम्प्लीमेंट किया जाए। इट इज़ अ लॉट, वी शुड नाउ इम्प्लीमेंट द गाइडलाइंस विच हैव बीन डिस्कस्ड, ये इसका मेन कंसेप्ट था। अब यहाँ पर सवाल आएगा गाइस कि PMNCH क्या होता है, इसका हिंदी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इसका हिंदी मैंने आपको दे दिया है। हाँ, PMNCH की बात करें तो PMNCH वॉज सेटअप इन 2005 जिनीवा में। वाइट रिबन अलायंस WRA वॉज सेटअप इन 1999 इन वॉशिंगटन DC एंड EWEC जो है ये आपका सेटअप हुआ सितंबर 2010 में। और यस बिल्कुल, और ये आपका अगेन रेलिवेंट है।
तो ये तीन चीज़ों को मैंने बता दिया, कब कब सेटअप हुआ, कहाँ कहाँ पर आपका इन्हें सेटअप किया गया। आई होप एवरी वन हैज अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर हेडलाइन। आगे बढ़ते हैं। UAE after sending the Mars mission Hope will now send an unmanned space aircraft to Moon in 2024. United Arab Emirates अपना जो एक unmanned spacecraft है उसको अब भेजेगा चंद्रमा पे 2024 में। इस spacecraft का नाम है आपका राशिद, which is named after Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum, who is one of the founding fathers of UAE. UAE आपके सात अमीराती स्टेट से मिलकर बना है और UAE ये काम करने जा रहा है। बेसिकली इनका एम रहेगा टू एक्सप्लोर द सर्फेस ऑफ द मून। मून का जो सर्फेस है उसको एक्सप्लोर करने का इनका मेन कंसेप्ट रहेगा। UAE की बात करें तो UAE विल बिकम द फोर्थ नेशन, ये आपका चौथा राष्ट्र होगा आफ्टर आफ्टर सोवियत यूनियन, चाइना एंड USA, जो कि आपका मून पे लैंड करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें UAE का, तो UAE ने ऑलरेडी आपका होप मिशन सेंड किया है। इसके अलावा दे विल ऑल्सो सेट अप अ ह्यूमन कॉलोनी इन इन ऑन मार्स बाय 2117, मतलब 2117 में वो मून पर वो मार्स पर अपना एक एक मानव कॉलोनी बनाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने अभी हाल ही में UAE ने अपना पहला एस्ट्रोनॉट सेंड किया था ISS में 2019 में। तो तीन काम की वजह से न्यूज़ में है आपका। सबसे पहला काम है दोस्तों कि होप मिशन लॉन्च किया है इसने विद द हेल्प ऑफ जापान। सेकेंड, ह्यूमन कॉलोनी बनाएंगे ये मार्स पे इन 2117। थर्ड, UAE विल हैज ऑल्सो सेंड इट्स फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू द ISS इन 2019। तो कई बहुत एग्रेसिव तरीके से आपका UAE जो है ना वो काम कर रहा है। याद रहेगा सबको क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर हैज अनवेल्ड द न्यू लोगो ऑफ जल जीवन मिशन। इतनी ही खबर है आपकी सर, 2117 साल जब हम सब भगवान को प्यारे हो जाएंगे ना तब की बात कर रहा हूँ मैं, तब तक तो आप में से कोई नहीं जिएगा। हाँ, हम जिंदा नहीं रहेंगे। क्या बात सुना ली आपको, तो एग्जाम मेरा चाहिए मेडल बिल्कुल। सो वापस आते हैं। PM मोदी हैज अनवेल्ड अ न्यू लोगो ऑफ द जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का जो नया लोगो है उसको लॉन्च किया है PM मोदी ने। इसके अलावा उन्होंने अनवेल किया है, उन्होंने आपका अनावरण किया है मार्गदर्शिका फॉर ग्राम पंचायत एंड पानी समिति अंडर जल जीवन मिशन, इसको लॉन्च किया है। दीज बेसिकली आर गाइडलाइंस फॉर विलेज पंचायत मार्गदर्शिका एंड दीज आर वाटर कमिटीज, ठीक है। जल जीवन मिशन का मेन मकसद है कि हर घर में आपका पाइप से पानी पहुँचे 2024 तक। अगर हम बात करें इस मिशन की, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, इट एनविसाजेज द सप्लाई ऑफ 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन फॉर 2024। 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी पहुंचे। दैट इज द मेन टारगेट गाइज ऑफ दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। और इसका मेन कंसेप्ट रहेगा टूवर्ड्स अ जन आंदोलन, ताकि लोग मिलकर इसे प्रायोरिटी के तौर पर बढ़ाएं और 2024 तक हर किसी के जल में पाइप से पानी आना शुरू हो जाए। समझ में आ गया सबको क्या बात है। आगे बढ़ते हैं अगले हेडलाइन पर। कड़ी निंदा करने वाले और मेरे शहर के सांसद द लोकसभा MP फ्रॉम माई सिटी राजनाथ सिंह साहब ने लॉन्च किया है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। इसको उन्होंने लॉन्च किया है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इवेंट न्यू दिल्ली में। इसका शॉर्ट फॉर्म है आपका IDEX। तो IDEX इवेंट में जो कि न्यू दिल्ली में हुआ, वहां पर इन्होंने इस चैलेंज को लॉन्च किया है। इन्होंने यहां पर IDEX 4G को भी लॉन्च किया है। ये IDEX 4G जो है आपका, बेसिकली इसमें दे विल आस्क द सोल्जर्स ऑल्सो द पीपल टू सेंड इनोवेशन आइडियाज फ्रॉम सोल्जर्स एंड ऑल्सो फील्ड फॉर्मेशन, मतलब इसमें जो आर्मी के जो इंडियन आर्म फोर्सेज के आपके सोल्जर्स हैं उनसे मांगा जाएगा इनोवेशन आइडियाज और कैसे हम अटैक के फील्ड फॉर्म करें वो भी यहाँ पर दोस्तों उनसे मंगाया जाएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ लॉन्च हुई है। पहला, ही हैज लॉन्च डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज इन न्यू दिल्ली, नंबर वन, कहाँ पर, IDEX इवेंट में। सेकंड, उन्होंने IDEX 4G इनिशिएटिव लॉन्च किया जहाँ पर दे विल कॉल अपॉन सोल्जर्स कि आप हमें आइडियाज दें टूवर्ड्स फील्ड फॉर्मेशन। समझ में आ गया सबको। 4G का फुल फॉर्म नहीं है गाइस, यहाँ पर 4G यहाँ पर कैपिटल में नहीं है, ठीक है भाई, प्लीज़ इतना दिमाग मत लगाइए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इसका हिंदी भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये आपके सामने इसका हिंदी। फिर आते हैं अगली खबर पे गाइस। साउथ ईस्टर्न रेलवेज हैज लॉन्च्ड
ऑपरेशन माय सहेली टू इम्प्रूव सिक्योरिटी ऑफ वुमेन पैसेंजर्स, महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सदर्न ईस्टर्न रेलवे। अच्छा मेरे को बताओ फटाफट, साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताओ मेरे को फटाफट। कल मैंने आपको एक इमेज दिया था, जिस इमेज में मैंने आपको बताया था कैसे याद कर सकते हो आप इंडिया के रेलवे जोन्स। तो साउथ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बिल्कुल सही, क्या बात है, वेल डन गाइस, वेल डन, बिल्कुल सही। देखो ये होता है पपलू, कोलकाता भी आया, चेन्नई भी आया, मुंबई भी आया। अरे भाई प्लीज़ कंफ्यूज मत करो, मैं नहीं बताऊंगा इसको। द रीज़न वाई, बिकॉज कल मैंने आपको एक ग्राफिक दिया था, उससे आसान ग्राफिक नहीं हो सकता है, प्लीज़ ग्राफिक पढ़ लिया करो यार। हाँ तो साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है उसने लॉन्च किया है ऑपरेशन माय सहेली, और इसको लॉन्च किया जाएगा इन 3 ट्रेन्स, हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो, हावड़ा अहमदाबाद एंड हावड़ा मुंबई। यहाँ पर इसको दोस्तों आपका लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो पैसा लाया जाएगा दैट विल बी टेकन फ्रॉम द निर्भया फंड, निर्भया फंड से इसके लिए जो पैसा है वो आपका दोस्तों लिया जा रहा है, ठीक है। इसको ज़रा यहाँ पर आप याद रखिएगा, दैट इज़ अगेन समथिंग टू बी रिमेम्बर्ड। इसको प्लीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा, दैट इज़ समथिंग गाइज टू बी रिमेम्बर्ड, ठीक है। इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। या साउथ ईस्टर्न में तो आपका आता है कोलकाता, ठीक है भाई, इसको याद रखना, कोलकाता विल बी द आंसर। कोलकाता, परिणीता जी आप कल आओगे नहीं, फिर आप बोलोगे बताया नहीं आपने, कोलकाता इज द आंसर, इट इज नॉट भुवनेश्वर, इट इज कोलकाता, ठीक है। हाँ ओके, चलिए इसका हिंदी देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इनके लिए ये लॉन्च आपका किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया बैंक और या इंडियन बैंक हैज बेसिकली लॉन्च्ड आईबीई नोट। ये कोई मोबाइल फोन नहीं है, इट इज बेसिकली एन ऑनलाइन सोल्यूशन टू कन्वर्ट ऑल द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑनलाइन। इसमें जितने भी नोट्स हैं आपके इस बैंक के, वो सारे नोट्स को ये डिजिटल ऑपरेशंस के जरिए ऑनलाइन आपका कर देंगे। सो द ऑनलाइन वर्किंग एप्लीकेशन ऑफ इंडियन बैंक गाइस इज कॉल्ड एज आपका सर को खुद नहीं याद है। हाँ राज सिंह जी बिल्कुल सही बात है, मजा लो आप लोग, है ना, पेपर तो आपको देना है, पेपर तो मुझे देना है ना, मैं मतलब आप जाओगे, अरे राज भाई मैं, आप जाओगे नहीं, मैं आप जगह मैं जाऊँगा पेपर देने, है ना, सही बात है, हंस लो। So Indian Bank guys has basically launched the IB e-note feature. This feature has been launched by Indian Bank, ठीक है, and इस feature को launch किया है MD CEO of Indian Bank पद्मजा चुंदरू ने, उन्होंने इस feature को launch किया है। Indian Bank की बात करें तो इसके headquarters आपके दोस्तों जो हैं वो आपके चेन्नई में है। अगर हम इस बैंक की बात करें तो इसने इंड गुरु भी लॉन्च किया है, और ये जो फीचर आपका है इट इज़ अ लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इट्स एम्प्लॉइज। तो दो फीचर लॉन्च हुए हैं आपके, IB e-note इसको लॉन्च किया नंबर वन, एंड नंबर टू दे हैव आल्सो लॉन्च द इंड गुरु फीचर। दीज टू फीचर्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन बैंक। इन दोनों फीचर्स को आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा सबको। विनोद शर्मा जी काहे समझ में नहीं आ रहा भाया, इंडियन बैंक है उसने IB e-note लॉन्च किया है, मतलब जो काम अब आप पेपर से करते थे वो आप लैपटॉप पे करोगे। सिमिलरली उसी बैंक ने मेरे भाई इंड गुरु लॉन्च किया है, ठीक है, ये भी आपको मोबाइल फोन नहीं है, सैमसंग गुरु, ये इंड गुरु है। इसके जरिए जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑनलाइन जाकर पढ़ सकते हैं फॉर स्किल एनहांसमेंट, ठीक है, समझ में आ गया, यस। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले हेडलाइन पर जो कि ये रहा, इसका हिंदी भी देख सकते हैं आप। अब कल का हमारा होमवर्क था, इसका ज़रा मेरे को फटाफट आंसर देना, इनमें से वर्ल्ड हार्ट डे आपका कब होता है, व्हेन इज द वर्ल्ड हार्ट डे, कल का आंसर था जल्दी दीजिएगा, वर्ल्ड हार्ट डे आपका दोस्तों कब होता है, व्हेन इज द वर्ल्ड हार्ट डे, आंसर है आपका 29 सितंबर। किस कंट्री से एमनेस्टी ने रिजाइन करने की बात की है, विच कंट्री द एमनेस्टी विल क्विट, द आंसर इज इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑटोमोबाइल कंपनी गाइस बेसिकली हैज शॉर्टलिस्टेड 5 स्टार्टअप्स, किसने शॉर्टलिस्ट किए हैं आपके दोस्तों 5 स्टार्टअप्स, इसका मैंने कल आंसर ऑलरेडी आपको दिया था गाइस, ये कल का होमवर्क है आपका। कौन सी कंपनी है, मारुति, बिल्कुल सही। अंडर विच मंथ RBI ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड एनहांस्ड बोरिंग फैसिलिटी अंडर MSF, किस महीने तक MSF की फैसिलिटी को एक्सटेंड किया गया है, फटाफट बताइएगा जल्दी से मेरे को, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही, 31 मार्च 2021, 2021 तक किया है। क्वेश्चन नंबर 4, विच एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ इंडिया हैज कंप्लीटेड 5 ईयर्स ऑफ मैपिंग स्टार्स, कौन से ऑब्जर्वेटरी के 5 साल आपके दोस्तों जो कंप्लीट हुए हैं आपके इस साल, उस ऑब्जर्वेटरी का नाम क्या है, फटाफट बताइएगा,
जल्दी से, जो लोगों ने आंसर कल दिया होगा उसका आंसर कर पाएंगे। बिल्कुल सही, उस ऑब्जर्वेटरी का नाम है आपका एस्ट्रोसैट। क्या नाम है उसका? एस्ट्रोसैट। और अब आते हैं हमारे आज के होमवर्क पे, जो कि आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर, ये आपका आज का होमवर्क है। इंडिया हैज अनाउंस्ड अ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच कंट्री? क्वेश्चन वन। बीएससी हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू एम्पावर एसएमईज? क्वेश्चन नंबर थ्री। कैट क्यू दैट वी सीन इन न्यूज रिसेंटली इज अ वायरस सेट टू हैव इमर्ज इन विच कंट्री? फ्लिपकार्ट एंड विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च इंश्योरेंस कवर फॉर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स? हु हैज टॉप द IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट? ये पांच सवाल के जवाब आपको दोस्तों देने हैं। सो विद दिस गाइज वी विल कम टू एंड। आपको आंसर करना है इस ईमेल आईडी पर, इसके साथ आपको यहाँ पर अपनी इमेज को दोस्तों भेजना है, और आपको जो हमारा एडिटोरियल ग्रुप है इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इस लिंक पे जाके आपको आंसर्स को करना है। यहाँ पर आपको इस सेशन का पीडीएफ भी मिलेगा, यहाँ पर पोल भी होता है, यहाँ पर क्विजेज भी होते हैं रिगार्डिंग ऑल द करंट अफेयर्स। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। आप सबका आने के लिए शुक्रिया। बाय गाइस, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक लिंक शेयर हो रहा है। ऑल दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS PO, उस लिंक को प्लीज़ फिल करें, आपको हेल्प करेगा वो। प्लीज़ फिल द फिल्म द लिंक, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया जाएगा। तो मेरे डिफेंस के बच्चों, बैंक के बच्चों, SSC के बच्चों, टीचिंग के बच्चों, थैंक यू सो मच। PSC के बच्चों, UPPSC के या PSC के बच्चों।